हाय गुड मॉर्निंग एंड पासी जिले आप सभी को फिर से मेरा ब्लॉग के स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर महला गुना आया हूँ तो अपना हेल्थ को फिट और फाइन देखने के लिए तो चेकअप करने के लिए, इसका मतलब मेरा हेल्थ कैसे है। तो आज मैं अपना हेल्थ को चेकअप करूँगा। आप लोग को वही बताना चाहूँगा कि अपना हेल्थ पाने से केयर करना चाहिए। साल में दो बार जैसे मेडिकल चेकअप करना चाहिए, तो वैसे तो कोई बीमार तो है नहीं, फिर भी मैं अपना हेल्थ को चेक करने आया हूँ। तो देखते हैं मेरा हेल्थ का रिपोर्ट क्या आते हैं डॉक्टर से। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको अपना हेल्थ रिपोर्ट बताऊँगा और मेरा हेल्थ पूरा चेक होगा आज। तो सब चेक होने के बाद मैं बताऊँगा कि मेरा हेल्थ फिट है कि नहीं है। वैसे बीमार तो नहीं है, फिर भी मैं अपना हेल्थ को चेक करना ज़रूरी समझा। तो सोचा कि अपना हेल्थ जो एक वेल्थ है बोलते हैं, तो अगर हेल्थ फिट है तो आपका तो अपना माइंड हो कुछ भी हो सब ठीक रहेगा। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहूँगा कि अपना हेल्थ को केयर कीजिए और समय समय में अपना मेडिकल चेकअप कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो गए ही मेडिकल में आना है, बिना बीमार होकर भी आप मेडिकल में आके अपना डेली अपना हेल्थ को चेकअप कर सकते हैं साल में दो बार जैसे। तो वही मैं एडवाइस कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपना हेल्थ को चेक करके आज बताऊँगा कि मेरा हेल्थ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बीमार है कि जो पता ही नहीं चलता है, जो बहुत हिडन हो जाते, बात को बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना हेल्थ को चेकअप करूँगा। तो थैंक यू, आइए मेरे साथ आप सब मिलते हैं डॉक्टर को वहाँ। तो शायद तो यहाँ पर अभी मेरा चेकअप होगा आज। तो ये यहाँ पर मैं अपने हेल्थ को चेक करूँगा। तो अभी यहाँ अंदर जाएंगे हम, देख सकते हैं सब लोग आए हैं, चेक करते हैं। तो अभी भी यहाँ पर हमें रुके हुए हैं, अभी बहुत से पेशेंट चेक कर रहे हैं। अभी ये दादा हमदुल्ला भी बैठा हुआ है, दादा और हमदुल्ला भी से बचा हुआ है। सब लोग तो अंदर गए हुए हैं, हमें अंदर दिखे। तो यहाँ से डॉक्टर के अंदर जाने के लिए है। तो ये है रिसेप्शन, तो ये है केबिन। तो केबिन में दादा हमदुल्ला ही बचा है अभी, तो चेकअप करते हैं। दादा का नाम क्या है? सूरज। हाँ दादा, सूरज कहाँ से है? जीरो से। जीरो से वैसे काम क्या है? दिल्ली। दिल्ली से? वाह, इतना दूर से कुछ काम से आए? हाँ जीरो में कुछ काम था यहाँ पे। कब लौटेंगे? कि वही जीरो पर चले? हाँ यहाँ से जीरो जाऊँगा वापस और फिर वहाँ से दिल्ली से। हाँ दिल्ली जाएंगे, दिल्ली तो बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से। डॉक्टर से पता नहीं अंदर में रिकॉर्डिंग करने देगा कि नहीं देगा, शायद करने नहीं दे सकते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर देखिए आप ब्लड चेक होगा, मेरा ब्लड लेगा। तो कुछ कुछ परमिशन दिया है छोटे छोटे चीज़ पे। तो अभी यहाँ पर मैडम का मेरा ब्लड निकलेगा। तो देख सकते हैं अभी मैडम जी मेरा ये ब्लड लेगा, तो मेरा हेल्थ कुछ ठीक है कि नहीं चेक करने के लिए। वाओ इतना हाथ सॉफ्ट है। तो यूरिन टेस्ट करेगा, यूरिन का यूरिन दे चुके हैं। अभी यहाँ पर ब्लड दिखे, ब्लड टेस्ट होगा। तो मेरा हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं चेक करने के लिए देखो। हाँ हाथ सो तुम ठीक है, ब्लड ले लिया। तो ब्लड भी दे दिया, यूरिन भी दे दिया। अब देखते हैं मेरा रिपोर्ट क्या आते हैं। और सूरज दोस्त का भी आगे नहीं हुआ, हम तो ना अभी भी रुका हुआ है। मेरा ब्लड ले लिया, आपका ले लिया ब्लड? नहीं। यूरिन? नहीं। ओह ठीक है, हम दोनों का रिपोर्ट साथ साथ में आएगा लगता है। अभी इधर हटा देते हैं ना। तो अभी मैं चेकअप करके निकला हूँ सर के यहाँ से। तो निकलते हैं, अभी रिजल्ट आने के बाद दिखेगा। ट्रीटमेंट है यहाँ पर। तो चेक हो गया मेरा, तो चेक हो गया। अभी आपका टाइम है। तो अभी चेकअप हो गया है, रिजल्ट पूरा अच्छा हुआ है। तो मेरा चेकअप जो यूरिन टेस्ट हुआ है, ईसीजी हुआ है, हार्ट वार्ट पूरा, ब्रेन वैन पूरा ईसीजी चेक कर लिया। और इसके बाद
मेरा यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, तो अभी मेरा हेल्थ का जो वेट चेक किया है तो अंदर में रिकॉर्ड करना मना था, तो वेट चेक किया तो वेट भी ठीक था, प्रेशर चेक किया प्रेशर ठीक था, तो सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर साहब ने बोला फिट है, अब चिंता मत करो बोला है। और चेकअप में क्या क्या होता है, मुझसे ECG होता है, ब्लड टेस्ट होता है, इसके बाद आपका प्रेशर चेक करता है, तो सब कुछ आपका हेल्थ का जितना भी है सब चेक कर लिया। अभी मैं चलते हैं अभी। थैंक यू, आप सब इस तरह से अपना हेल्थ को केयर कीजिए और अपना हेल्थ को जितना हो सकते ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ को बीमार होने से ही चेक करना जरूरत नहीं है, बीमार नहीं होने से भी आप चेक करना है। ये रूटीन चेकअप था, रूटीन चेकअप में पूरा ठीक हो गया, थैंक यू। तो चेकअप वेकअप हो गया है, तो अभी हम यहाँ पर कुछ खाने का मन किया है, तो यहाँ आंटी रोटी बना रहे थे कि रोटी खाएंगे, बहुत स्पेशल रोटी है यहाँ पर, आंटी रोटी बना के खिलाएगा बोला है, क्योंकि खाली पेट आने के लिए बोला था चेकअप करने के लिए। तो हेल्थ तो पूरा ठीक है, अभी एक पानी पी रहा हूँ और मज़ा से रोटी खाएगा। और ये देखिए इतना प्यारी आंटी हम के लिए रोटी लेकर आया, ये है एकदम स्पेशल रोटी, सुबह से कुछ नहीं खाया था तो खाली पेट होने के लिए बोला, अभी रोटी खाएगा इसके बाद जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू। रोटी का एंजॉय करेगा, टेस्टी टेस्टी रोटी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।